पूरी दुनिया इस समय इस बीमारी से लड़ रही है। पूरी दुनिया में जहां लोग इसके चलते परेशान हैं और काम धंधे चौपट हो गए हैं, वहीं पर्यावरण प्रेमियों के लिए ये एक खुशखबरी से कम नहीं। इस वीडियो में मैं आपको इस लॉकडाउन के पर्यावरण पर पड़ने वाले ऐसे प्रभावों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें स्पेस से सैटेलाइट डेटा से ऑब्जर्व किया गया है। इस वजह से वैसे तो ज्यादातर सभी बिजनेस अफेक्टेड हुए, लेकिन जिस इंडस्ट्री को स्पेस से आसानी से नोटिस किया जा सकता था वो थी एविएशन, यानी कि एयरलाइन इंडस्ट्री। इस समय कानूनी तौर पर दुनिया के लगभग सभी देशों द्वारा ट्रैवल को बैन कर दिया गया है। अब लोग एक देश से दूसरे देश में जाना तो दूर की बात है, एक देश में ही एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए भी अटक गए हैं। लोगों का इंटरनेशनली ट्रैवल बैन कर देने से उन सभी पैसेंजर्स फ्लाइट को रोकना पड़ा जो डेली एक देश से दूसरे देश में यात्रियों के साथ सफर किया करती थी। यह एक ऐसा कदम था जिसे कुछ महीनों पहले तक बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया जा सकता था। जितने भी एयरपोर्ट पर रनवे थे जहां हवाई जहाज उड़ान भरने के लिए दौड़ते थे, वो सभी अब एयरप्लेन्स के लिए पार्किंग लॉट बन गए, और जिन्हें आप इन सैटेलाइट इमेजेस में आसानी से देख सकते हैं। ये जगह जर्मनी की फ्रैंकफर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है, जहां आप आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह यहां इन सभी हवाई जहाजों को पार्क कर दिया गया है। यही हाल कोपेनहेगन एयरपोर्ट डेनमार्क का भी है। ये फोटो 2 मार्च 2020 की अटलांटिक एयरस्पेस का हाल आसानी से दिखा सकती है। यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह अमेरिका और यूरोप में रोजाना इतनी बड़ी मात्रा में हवाई जहाज आ जा रहे थे। ये जगह इतनी भरी हुई है कि यहाँ आप कोई खाली जगह मुश्किल से ही देख पा रहे होंगे। अब देखिए ठीक इसी जगह हफ्ते के इसी दिन और ठीक उसी समय 30 मार्च 2020 की ये तस्वीर आसानी से देखा जा सकता है कि कितनी बड़ी मात्रा में फ्लाइट कैंसिल हुई है। ये बदलाव सिर्फ एविएशन में ही नहीं बल्कि इंडस्ट्रीज के पोल्यूशन और ट्रैफिक को भी इन सैटेलाइट इमेजेस में आसानी से देखा जा सकता है। यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का लेवल यहाँ अचानक से इतना बदल गया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये एक ऐसी गैस होती है जो इंडस्ट्रीज और खासकर कार में यूज होने वाले फ्यूल से हमारे एटमोसफेयर में मिलती है, और ये हमारे लिए कितनी खतरनाक हो सकती है इस बात का अंदाजा आप इस बात से आसानी से लगा सकते हैं कि हमारी हवा को गंदा करने में इसका एक अहम रोल होता है। इस गैस की वजह से इंसानों में खांसी, बुखार, सांस की परेशानी, अस्थमा आदि जैसी दूसरी बीमारियां होती हैं। दुनिया में जहां जहां भी लॉकडाउन हुआ है वहां वहां ये एमिशन तेजी से नीचे गया है, फिर चाहे बात चीन की हो या अमेरिका की या फिर यूरोप की। सो गाइस, भले ही आप इस बात को अच्छा माने या बुरा, लेकिन हकीकत यही है कि इस दुनिया को बर्बादी की तरफ धकेलने में हम इंसानों का बहुत बड़ा हाथ है। करने को काफी कुछ किया जा सकता है, लेकिन इस भागती दौड़ती दुनिया में हम उसकी तरफ कभी ध्यान देते ही नहीं। लेकिन ये प्रकृति बार बार हमें खुद को बचाने के संकेत और उपाय जरूर देती रहती है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग लेकर।